अरे कैसे हैं रियाज भाई। बहुत तेज धूप है भाई, आओ आकर लाई खा लो। आपके नंबर नहीं तो मैं लाई आपको भेज देता। क्या हाल है रियाज भाई के? बहुत बढ़िया हाल है मेरे। मैं सिराज भाई, आपकी कुछ आवाजें मुझे बेहद पसंद है। अयोध्या में इस समय योगी जी की आवाज के सिवा और हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर लाई की दुकान पे योगी आदित्यनाथ जी होते हैं, जो हमारे भारत के सीएम है, हमारे यूपी के सीएम है, सॉरी यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी होते तो कैसे बोलते? नमस्ते, जय श्री राम। क्या बात कर रहे हैं आप? यदि आपको धूप लगता है तो आप हमारा लाई खा सकते हैं, ये कोई चिंता का विषय नहीं है। देखिए जी, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं पहले किसी पे वार नहीं करता, लेकिन यदि हम पर कोई वार करता है तो मैं उसको कदापि छोड़ता नहीं। बहुत लोग तो ये कहते हैं कि बाबा को लैपटॉप चलाना नहीं आता। देखिए जी, चलाना तो मुझे बुलडोजर भी नहीं आता, फिर भी चली जाता है ना। तो योगी आदित्यनाथ जी कुछ ऐसे बोलते हैं। अब लालू प्रसाद यादव जी आगे लाई बेचने के लिए जी। ए पगड़वा, ये चुरन मुरन लाई खा के और गले को जो सुकून मिलता है वो लाबड़ी देवी के रोड़ी में भी सुकून नहीं मिलता है। पागल कहीं का बात करता है। धूप इतना तेज है कि पसीना कहाँ कहाँ से आ रहा है। लालू प्रसाद यादव तो मैं बता नहीं सकता, जब आप कभी जवान थे बताइए क्या माहौल था। शांत पड़ गई। अच्छा, इस वक्त पता नहीं चल रहा है अखिलेश जी क्या कर रहे हैं। देखिए इतना तेज धूप है कि मैं तो डिंपल के पास बैठा हूँ और न्यूज देख रहा हूँ कि बाहर टेम्परेचर 44 है, लेकिन जो मैं हारने के बाद में हमारा टेम्परेचर है, हमारी गर्मी निकल चुकी है। ऐसा बोलेंगे अगर अमिताभ बच्चन साहब आ जाए। अरे अरे भाई साहब, क्या करे, कोई कार्य चलता नहीं इस समय। अभी कुछ दिन पहले भाई साहब लॉकडाउन चल रहा था, तो हमने सोचा भाई साहब अयोध्या में आएंगे, थोड़ा लाई वाई की दुकान करेंगे। भाई साहब आए, मुंबई से चलकर आए आप सभी के प्यार के लिए, तो भैया आप लोग सपोर्ट करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा लगा चाचा? अच्छा लगा। भैया आप लोग को कैसा लगा? बहुत बढ़िया। नाना पाटेकर साहब आ गए। नाना पाटेकर साहब कैसे बेचेंगे? अच्छा है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शौहरत है। ये देखो, नमकीन है, चना है, बादाम है, क्या करूं, कच्चा बादाम बेचकर कोई कहां से कहां पहुंच जाता है, और यहां मैं पक्का बादाम बेच रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। अरे क्यों नहीं हो रहा है? वर्षों से गंदी वीडियो शेयर करने की आदत हो गई है। अगर जिंदगी में कभी धर्म जाति को छोड़कर अच्छी वीडियो को शेयर करोगे तो हम जैसे लोग भी अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। जय रहा हूं, जय हिंद, जय भारत। तेज बोलूंगा तो लोग कहेंगे बोलता है। अच्छा रवि किशन जी, अब आपको कैसा लग रहा है? आप तो यहाँ कई बार आ चुके हैं। अरे नमस्कार हो बाबू, हर हर महादेव। अरे माई रे माई, जे कहो ना रहिल वो अब्बा। अरे बाबू यूपी में सब्बा। अरे गोरखपुर के जब से सांसद बनने का एक अद्भुत मौका मिला है भैया, एकदम अद्भुत अद्भुतांग है। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको बहुत मजा आया, जितने भी लोग आए सबको मजा आया। तो आप लोग भी सब्सक्राइब करना, चैनल का नाम रियाज इंडियन है। और ये हमारे सर जी हैं, इनसे ही सीखते हैं आवाज निकालना। ये हम लोगों के भीष्म पितामह हैं, ये जब आवाज निकालेंगे तो सब भाग जाएंगे। बहुत अच्छा। आप ही सुना दो इसी बात को, हमने सुना दिया। राजकुमार साहब की, राजकुमार साहब की, राजकुमार, राजकुमार साहब जी, आप ही सुना दीजिए जी। वीर सिंह, हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए और ना ही परेशान हुए। हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, लेकिन वो गोली हमारी होगी और वो बंदूक भी हमारी होगी। आज तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हम पे पहली गोली कौन चलाता है। रही बात ये बिच्छू काटने की, ये और हाँ, रही बात सांप और बिच्छू की, तो ये हमें काटते नहीं बल्कि बाजू से रेंग जाते हैं। अब प्राण साहब आगे, एक मेरे साथ प्राण साहब आगे। देखो ये होती है ताकत रियाज इंडियन जी की, पूरा घमासान मचा दिया है। तो अब प्राण साहब की आवाज निकालेंगे, ठीक है? प्राण साहब कैसे बोल? और प्राण साहब क्या हाल है आपके, बताइए जरा। मैं तो ठीक हूँ भाई साहब, आप बताएं आप कैसे हैं? जब है? स्कूल के दिनों में हम लोग साथ पढ़ा करते तो कितना मजा आता था, हम लोग मजाक मस्ती बहुत किया करते थे, लेकिन अब तो महंगाई ने ही दम तोड़ रखा है।
अमिताभ बच्चन साहब आप भी अपनी बात बताइए। अमिताभ बच्चन साहब बताइए। अरे अरे जब गौरी तब यार आलम तरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली। अरे भैया हम पहुंचे हैं अयोध्या के पावन नगरी में भाई साहब। नमस्कार देवियों सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। आए आपका अभिनंदन व्यक्त करते हैं भाई साहब कि आप लोग हमें इस कदर प्यार करते हैं। हाँ। और राजकुमार जी, हर तूफान आने से पहले एक जानलेवा खामोशी छा जाती है, हम तुम नहीं आप हैं, हमसे बेटर ये करते हैं। शुक्रिया भाई साहब, अब दबा के वीडियो को शेयर करो। ओ मेरी जवानी के झटके और उम्र की तरफ भटके, तुम मरूंगा तीन फटके, गुलशन ग्रोवर एक उठ के एक बैठ के और एक लेट के। तो हम लोग आए थे भाई साहब की अयोध्या का ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन हमारे कुछ दोस्त मिल गए, इन्होंने पूरा फिल्म ही बना लिया। कुछ अलग हमारा टारगेट ही चेंज हो गया। टारगेट ही चेंज हो गया। वाह वाह, टीम मिमिक्री वाली वीडियो हो चुकी है। बहुत 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 ही जल्द आप लोगों के बीच में आएगी, आप लोग सपोर्ट कर। हाँ दोस्तों, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल का नाम है रियाज इंडियन कॉमेडियन। थैंक यू।